दिल्ली पुलिस अकेडमी झरोदा कला में दिल्ली जेल के जेल कर्मचारियों और मैट्रन की पासिंग आउट परेड में 231 प्रशिक्षणार्थियों को स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस मुकेश कुमार मीणा के प्रशिक्षण में सलामी देकर जेल प्रशासन के विधिवत में शामिल होने के लिए तैयार किया। आपको बता दें कि सलामी के दौरान स्पेशल कमिश्नर पुलिस मुकेश कुमार मीणा, प्रशिक्षण केंद्र झरोदा कला ज्वाइंट डायरेक्टर विजय सिंह, दिल्ली पुलिस अकेडमी और जेल प्रशासन महानिरीक्षक कारागार संजय बेनीवाल भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं जनतंत्र टीवी की संवाददाता अफशा खान ने परेड ग्राउंड पर जाकर इन सभी से बातचीत की है। झरोदा कला में इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि प्रशिक्षणार्थियों को यहां प्रशिक्षण दिया जाता है और पास आउट किया जाता है, साथ में एक बड़ी परेड निकाली जाती है। ज्यादा बात करने के लिए स्पेशल सीपी मुकेश कुमार मीणा प्रशिक्षण मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बात करते हैं सीधा इनके साथ। सर, क्या आज पूरा मामला है? आज जो जेल वार्डन सर मेट्रोन है उनकी आज पासिंग परेड थी और पासिंग आउट परेड हो गई। इनकी 7 महीने की ट्रेनिंग थी, यहाँ पर ट्रेनिंग करके दिल्ली प्रेजेंस में जाके ज्वाइन करेंगे। कितने लोगों ने लगभग किया सर? ये 215 लोगों ने पासिंग आउट परेड किया है, बाकी 221 हैं, 6 को हम बाद में भेजेंगे। हमने देखा सर, आप मंच से जो है संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे किस प्रकार से जो है कैदियों के जीवन होते हैं और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, एक बार आप चैनल के माध्यम से समझना चाहेंगे? नहीं, हम यही इनको बता रहे थे कि जो ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया है बिहेवियर या लॉ या नियम, उसको पालन करें अपने प्रैक्टिकल जब ऑफिशियल ड्यूटी करें। और यही है कि जब भी कोई जेल में जाता है तो कैदी अगर बाहर आए तो वो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, यही होगी एक सक्सेसफुल वो है। बाकी मेन ये है कोई भी कैदी अंदर आता है तो नियम के हिसाब से रहे, जो भी सरकार के नियम है उनको पालना करे, और कोई कैदी भागने नहीं पाया, उसकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। सर, इस प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है इसमें कितना समय लिया जाता है लगभग? नहीं, इनकी जेल वार्डन्स की और इन मेट्रोन की ट्रेनिंग जो 7 महीने की ट्रेनिंग होती है, 7 महीने ट्रेनिंग कराते हैं। ये आपके द्वारा की जाती है? हाँ, ये दिल्ली पुलिस अकेडमी द्वारा की जाती है जेल वार्ड। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे मुकेश कुमार मीणा को, जो कि बताते हैं नज़ारे किस प्रकार से झरोदा कला में प्रशिक्षणार्थियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद इनको जेल परिसर के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ तमाम परीक्षणार्थियों को, इनके द्वारा 200 से ज़्यादा परीक्षणार्थियों को यहाँ जो है प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद इनको जेल परिसर के लिए नियुक्ति दी गई और साथ में शपथ भी ग्रहण कराई गई। संजय बेनीवाल भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आपको बता दें कारागार महानिरीक्षक हैं। बात करते हैं सीधा इनके साथ, आज यहाँ आते हैं। सर, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ दिल्ली पुलिस का कि उन्होंने हमारे 221 वार्डर और हेड वार्डर्स को ट्रेनिंग दिया है। बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग हुआ है और ये इनके डीजी ट्रेनिंग जो है मुकेश मीणा जी का बहुत आभार है हम लोगों पे कि क्राउड कंट्रोल में और बहुत चीज़ों में इन्हें आपकी नियुक्ति की जाती है डीजी के तौर पर, जो है आप जो है तिहाड़ जेल के डीजी बन जाते हैं। बिल्कुल सर, पूछना चाहूँगी किस प्रकार की डिफरेंस मालूम, मतलब कहाँ कुछ, मतलब वहाँ कुछ नया क्या देखने के लिए? बहुत कुछ। पहले हम उन्हें वहाँ बंद करते हैं, अब उन्हें वहाँ छोड़ने की सोचते हैं, उन्हें सुधारने की सोचते हैं। बहुत फ़र्क, काफ़ी फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क। दैट इज़ वाई ये ट्रेनिंग ज़रूरी होती है जी। बिल्कुल। तो देखिए, आप सुन रहे थे संजय बेनीवाल, डीजी संजय बेनीवाल को, जो कि बताते नजर आए किस प्रकार से कैदियों को जो है ट्रेनिंग के लिए रखा भी जाता है और साथ में कैदियों के ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षणार्थियों को यहाँ से नियुक्त कर वहाँ भेजा जाता है और उसके बाद उनको समस्त तरह की चीज़ों को समझाया जाता है। डायरेक्टर विजय सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। झरोदा कला में परेड निकाली जाती है और तमाम जो है परीक्षणार्थियों को यहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में आगे उनको काम के लिए आशीर्वाद दिया जाता है। आपसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी सर। आज यहाँ 215 ट्रेनीज जेल वार्डर और मेटन्स यहाँ पास आउट हुए हैं दिल्ली पुलिस की, यहाँ दिल्ली पुलिस एकेडमी में इन्होंने ट्रेनिंग की है 7 महीने के लगभग, तो उसके बाद इनकी पासिंग आउट हुई है। हमारे मुख्य अतिथि स्पेशल सीपी ट्रेनिंग मुकेश कुमार मीणा यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो और इनको जो है डिफरेंट इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग इनको दिया गया है, स्पेशलाइज्ड एक्ट्स और उनके बारे में इनको बताया गया और फिटनेस का भी ख्याल रखते हुए आउटडोर की ट्रेनिंग कराई गई है। तो जो है आज ये पास आउट हुए हैं, हमें भी खुशी है कि हमने एक दिल्ली जो जेल है उसके जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करके हमने उनको डिप्लॉय किया है और अच्छा आने वाले समय में बहुत मेहनत लगन और ईमानदारी से काम करेंगे। बिल्कुल सर, इस तरह की ट्रेनिंग कितने कितने समय के अंतराल पर होती रहती है? ये जो ये तो जब रिक्रूटमेंट है, जो दिल्ली प्रिजन का जो रिक्रूटमेंट
उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। बाकी हमारे दिल्ली पुलिस की तो रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है, रिक्रूट कॉन्स्टेबल्स की, सब इंस्पेक्टर रैंक्स जो प्रमोट होते हैं उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स वगैरह चलती रहती है। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे जॉइंट डायरेक्टर विजय सिंह को, जो कि बताते नजर आए किस प्रकार से झरोदा कला में अब परेड निकाली जाती है और परेड के दौरान जिस प्रकार से जो है जेल परिसर के लिए लोगों को यानी कि परीक्षार्थियों को तैयार किया जाता है और उसके अंदर परीक्षार्थियों को बाहर जब तैयार किया जाता है और आगे जेल माफ़ कीजिएगा अपनी जॉब की नियुक्ति के लिए तमाम तरह की बातों को समझाते नजर आए। कैमरामैन कमल के साथ दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान।